डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट तेती कवी तेती कवी। चलो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कि ये जो 33 केवी लाइन जा रही है ये 10 साल से डैमेज चल रही है, ना ही तो इसकी तरफ किसी ने तवज्जो किया ना ही ध्यान दिया। और ये देखो आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं, आप मौके के ऊपर आए हुए हैं। और ये नीचे से रोड की खुदाई हुई और पीछे से स्लाइडिंग हुआ और ये पोल सब नीचे उतर के आ गए हैं। अगर आगे मकान है वो डैमेज हुए तो कौन जवाबदारी करेगा इसकी? रोड से पहले डैमेज थी, अगर वहाँ रोड से पहले डैमेज थी, लेकिन जो ना हमने सबसे अपील किया लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसलिए मेहरबानी करके इंतजामिया से ये हमारी अपील रही है कि ये इस लाइन को जो ना क्लियर किया जाए, यहाँ से उठाया जाए। ये बोलते हैं कि ये ना ये ठेकेदार का कसूर है, ठेकेदार का कोई कसूर नहीं है। ठेकेदार ने जो ना यहाँ से कटिंग किया, उसके पीछे है पोल थे, वो स्लाइडिंग होने की वजह से ये नीचे आए हैं। इसलिए जो ना इसका मेहरबानी करके हल किया जाए। एक दूसरी बात है, अगर जो ना कोई डैमेज होता है मकान, उसका कौन जो ना इसका भरपाई करेगा? अगर कोई बंदा लाश होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर ये पीएचई की लाइन जाती है, इसमें 10-15-20 जगह में जो ना ये कॉलर दिए हुए हैं, उनको पाइप नहीं दी गई, वो पाइप दी जाए और इसका पानी का जो ना ठीक से जो ना निकास किया जाए। ये जो स्पेयर लाइन है, अगर ये 11 केवी पे गिरती है तो कितना नुकसान हो सकता है? अगर 11 केवी से गिरती है तो ये पूरा गांव लाश में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पूरा जाएगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट तो जाएगा जाएगा, जाए या ना जाए, लेकिन ये गांव पूरा लाश में चला जाएगा। उसके बाद जो ना एक लाइन जाती है तो अभी ठीक है, इसमें 2 लाइनें जाती है, 3 लाइनें जाती है इसके नीचे से 11 केवी की। अभी आप इंतजामिया से क्या गुजारिश करते हो? इंतजामिया से हम ये गुजारिश करते हैं कि इस लाइन का कोई हल किया जाए, या तो इसको यहाँ से उठाया जाए, या तो इसको दूसरी जगह में शिफ्ट किया जाए। हमारे को इसे खतरा है, खतरा क्या है कि हमारे मकान बच्चे पूरे घर अवश्य खत्म हो जाएंगे, नहीं तो। इसलिए इसका जो ना यही हाल है कि जो ना या तो इंतजामिया इसको जो ना उठाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये देख लो आपके सामने जो ना ये लटके हुए सर के ऊपर है पोल, और ये जो ना रोड गवर्नमेंट के, इसको हम रोक सकते नहीं है, ये निकलेगी। वो ये है कि यहाँ ये जो 33 केवी लाइन जो है बिजली की, ये जो जा रही है इसकी तरफ उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है और ना ही इसकी तरफ उन्हें तवज्जो दी है। तो मैं लिहाजा आपके माध्यम से, आपके जरिए से ये गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कम इस इलाके से ये जो लाइन बिजली की जा रही है और ये जो पोल रोड साइड में है उसके लिए उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और वहाँ पर नुकसान होने के बहुत सारे अंदेशे हो सकते हैं। उस नुकसान से इस इलाके को, इस गाँव मनियाल को, इस बरादरी को, इस लोगों को बचाना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि ये रोड की स्लाइडिंग के साथ जितना काम हो रहा है वो तो कर रहे हैं, लेकिन महकमा जो PDD है उसकी तरफ से जो है ये नाअहली का सबूत किया जा रहा है और वो इसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर करके जा रहे हैं। तो मैं आपके जरिए से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको फिलफोर जल्दी इसकी तरफ तवज्जो करके इस काम को पूरा किया जाए, और जो रोड का काम है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और हम ये चाहते हैं ये चलना चाहिए और हमें इसकी जरूरत है। ये जो लाइन जा रही है 33 केवी की, रिक्वेस्ट है हमारी, ऊपर तक रिक्वेस्ट है कि इस लाइन को निकाला जाए। अभी रोड का काम लगा हुआ है, ये रोड से डैमेज हो गई है, पहले भी डैमेज थी, बहुत अप्लाई किया किसी ने नहीं सुनाया, ऊपर तक अप्लाई किया किसी ने नहीं सुना। जो जय आता है उसको बोलते हैं कि ये लाइन ऐसे है, हमारे घर डैमेज हो जाएंगे। नीचे घर है हमारे, एक नहीं 10 घर हैं, कच्चे भी हैं, पक्के भी हैं, बच्चे सोते हैं वहाँ पे, जो रात के 1-2 बजे लेके बच्चों को भागना पड़ता है। ये रोड निकली है, रोड गवर्नमेंट की है, इसको तो हम बंद कर नहीं सकते हैं, इस काम को बंद कर नहीं सकते हैं। लेकिन इतना है कि सरकार से ये हमारी अपील है कि इसको जो भी काम नुकसान का है, इसको साथ साथ कोई भी इनका डिपार्टमेंट का आदमी रहे, 33 केवी का, PHC का कोई भी आदमी है, इनका साथ कोई भी अफसर रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, ये काम पूरा करवाएं जो भी यहाँ पे गलत हो रहा है। और हमारी ज़मीनें जो है पूरी डैमेज हो गई हैं, इनका कोई कागज़ पत्र, इनका कोई हमारे पास कुछ भी नहीं आया अभी तक, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं है। ज़मीन को तो छोड़ो, घर डैमेज हो रहे हैं, नहीं तो कोई आके हमारा देखे कि भाई क्या हाल है, अगर हमारी गलती है तो हमारे को पकड़े, नहीं तो हमारी अपील सुनी जाए कि ये हमारा बहुत रिक्वेस्ट है, ये बात है कि ये 33 केवी जो लाइन जाती है इसको आके देखें कि आज का नहीं, आज से पहले 10 साल की हमारी ये जा रही है अपील कि भाई इसको तार को जा फोल्ड करो, जा इस लाइन को ठीक करो। किसी ने ठीक भी नहीं किया, किसी ने फोल्ड भी नहीं किया, किसी ने उतारा भी नहीं है। जो आता है बोलते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रूफ इसका, हम इसको क्या करें।
ये गवर्नमेंट अगर मुलाजम रखे हुए हैं काम नहीं करते हैं तो ठीक है, या इन मुलाजमों को डिस्चार्ज कर दें या कुछ ना कुछ इनका हल करें। जो जैसा मर्जी बिजली की लाइन जो है 33 केवी की लाइन टूटेगी।